नमस्कार, मैं आरती बघेल, स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कोविड-19 महामारी में युवाओं को सफलता के गुर बताए और डिप्रेशन से निपटने के तरीके भी। इसके लिए शहर में 5 स्कूलों के 10 बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना काल के दौरान बच्चों को आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में चर्चा की। पुलिस कमिश्नर ने बच्चों के साथ हुई वार्ता को पॉजिटिव बताया और कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जिस प्रकार से युवाओं ने अपने आप को ढाला है वह काबिले तारीफ है। आइडिया क्या है पूरा और क्या निकल के आया है? देखें, जो 13 से 19 की उम्र होती है ये बड़ी वोलेटाइल होती है। इसमें सोच विचार कम होता है, जोश ज़्यादा होता है। तो लॉकडाउन के पीरियड में जिनका सबसे प्रिय चीज़ थी कि दोस्तों से मिलना, बाहर घूमना, हैंग आउट करना, वो सारी चीज़ें बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं। तो इसमें ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इन कैसा ये अनुभव कर रहे हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है, इसके ऊपर हमने एक 10 हेड बॉयज़ एंड गर्ल्स है वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप किया। और इतने टैलेंटेड हैं और इतने इसमें कई शूटर थे, बड़े अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, कोई लॉयर बनना चाहती, कोई एयरफोर्स जाना चाहते, एक बच्चा तो ऑलरेडी 1500 रुपये की कमाई कर चुका था इस एक महीने में। तो इनसे बड़ा सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान हुआ और हमने ये पाया कि ये फिज़िकल एक्टिविटी मिस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना मिस कर रहे हैं, और जो इनका ऑन स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है उसको लेकर इनको बड़ी परेशानी हो रही है। और जो जूम ऐप वगैरह है उसका ऑपरेशन ठीक नहीं है तो उसमें इनको दिक्कत आ रही है। और सबसे जो बड़ी बात है, हम ये सोचते हैं कि कोरोना 65 साल से ऊपर वाले लोग कोई तंग करता है, भूल जाते हैं। उनके बच्चे भी इससे चिंतित है कि मेरे पेरेंट्स को कोरोना ना हो जाए, उनको चिंता हो रही है। तो ये कई नई चीज़ें उभर कर सामने आई। तो जब हम अपना रिस्पॉन्स अब फॉर्मुलेट करेंगे तो इन चीज़ों को फैक्टर इन करेंगे उसमें। आइडिया आया कहाँ से विचार? मतलब आमतौर पर पुलिसिंग जो है वो एक अलग पार्ट है, आप बच्चों से जुड़ रहे हैं और स्कूल के ऐसे बच्चों से जुड़े जो कि पूरे स्कूल को प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों का, ये आइडिया आया कहाँ से? देखें, एडल्ट लाइफ का फाउंडेशन अभी ही बढ़ जाता है। आपकी अच्छी आदतें आपको अच्छा नागरिक बनाती है। अगर आप किसी के हत्थे चढ़ गए तो कोई पुलिस आपको हेल्प नहीं कर सकती है जब मामला ऑलरेडी बिगड़ जाए। तो अच्छे बिहेवियर के लिए इनकरेजमेंट, और जो डिसरप्टिव बिहेवियर है जिस व्यवहार से इनका नुकसान होने वाला है उसके लिए रेसिस्टेंस, ये बिल्ड करना भी हमारा ही काम है। तो हम जो भविष्य के नागरिक हैं वो सही रास्ते हों और जो चीज़ें उनको ख़राब करती है उनके प्रति उनको आगाह करें, उनको प्रेरित करें कि वो उन चीज़ों में ढूंढें अपना भविष्य जिसमें वो अच्छे हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। जब तक ये समस्या का समाधान इनके पास होगा, ये वैल्यू क्रिएट करेंगे, ये सकारात्मक नागरिक बने रहेंगे। तो इनके लिए प्रेरित करना भी पुलिसिंग का ही हिस्सा मुझे लगता है। जिस तरह के समाधान की बात आप कर रहे हैं, हमने यही कहा, जैसे कि हैप्पीनेस की बात कर रहे थे कि हैप्पीनेस मैंने खुश नहीं लगता हमें, तो हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बैठे बिठाए आ जाती है, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। जब भी आप चुनौतियों का मुकाबला करते हैं तो मुकाबला करते समय आपका भाव अलग होता है, जब आप जीत जाते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है। तो हमने इनको कहा कि एक साइंस ऑफ हैप्पीनेस एक प्रोग्राम आता है, येल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो उसको करें और देखें कि समझें कि वास्तव में खुशी होती क्या है, कैसे हमारा दिमाग जो है वो बड़ा डम मशीन है, इसमें कई फनी फीचर्स बोलते हैं इसके, कि बायस्ड है ये, सोशल कंपैरिजन करता रहता है, बहुत जल्दी यूज टू हो जाता है। तो कैसे अपने दिमाग की बनावट को हम समझें और इसको टैकल करें और इसके नेगेटिविटी को अपने पर हावी नहीं होने दें, तो वो कोर्स हमने रिकमेंड किया है। एक मार्कस अरेलियस बहुत बड़े रोमन एम्परर रहे, उनकी किताब एक मेडिटेशंस है, तो उसमें उनके कड़े मेंटल हैक्स हैं कि दिमाग कैसे शांत रहे, तो उसने कई हैक्स बताए हैं, तो उसको पढ़ें, उसको देखें। और एक हमने जैसे कि वर्चुअल रनिंग क्लब की बात करी कि एक जो टीम की कैप्टन थी उनका कहना था कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो क्या करें, हमने कहा हम वर्चुअल रनिंग क्लब लेके आ रहे हैं जिसमें कि उस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करके कोई भी दौड़ेगा तो उसकी टाइमिंग हमारे पर आ जाएगी, तो फिर उनको हम इनकरेज करेंगे इस काम के लिए। तो जो अभी ग्रुप एक्टिविटी नहीं हो सकती है तो कैसे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को रीस्टार्ट करें विदाउट कोरोना के खतरे को, उस पर हम काम करें। तो एक बढ़िया लेखक,
एक पुलिस कमिश्नर और मोटिवेटर की नई भूमिका में बच्चों के लिए? नहीं, हमेशा देखिए हर जनरेशन हर पीढ़ी से अपेक्षा होती है कि पिछले ने आपकी हैंड होल्डिंग करी है, अगले की आप हैंड होल्डिंग करिए। ये आपकी मूल जिम्मेवारी है। आप पुलिस हैं नहीं हैं उससे मतलब नहीं है। एक आपकी मूल जिम्मेवारी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको रास्ता दिखाएं, और रास्ता ये ना दिखाएं कि ऐसे करो वैसे करो। एक कहावत है कि एक जलते दिए की फितरत ये है कि वो हज़ार बुझे दिए जलाए जिससे कि रोशनी बनी रहे। ये हमारी आपकी बात नहीं है, ये इंटरजनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें किसी ने रास्ता बताया तो हम यहाँ बैठे हैं, हम भी रास्ता बताते रहें, लेकिन बस रास्ता ही बताएं। उनको हमेशा ये कहें कि स्कूल का जो समय होता है वो ये पता करने का होता है आप किस चीज़ में अच्छे हैं, फिर ये योजना बनाकर उसमें मेहनत करने का होता है उसमें बेस्ट कैसे। अगर आप ये सफ़र तय कर पाए तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, वैल्यू क्रिएटर बनेंगे, मार्केट्स पर प्रीमियम लगाएगा, पैसे देगा, पैसा आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो ये मोटिवेशन का जो आज का दौर था ये इस तरह की चीज़ें जा रही हैं। मैं इसको मोटिवेशन नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक मोटिवेशन ये बिल्कुल नहीं था, ये तो लिसनिंग सेशन था। मैं उनकी बातें सुन रहा था, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये मेरे पास जानने के लिए और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैं जब इसकी उम्र का था तो बड़ी पुरानी कहानी है। तो अभी जैसे कि अगर घोड़े का दांत अगर जानना है कितने होते हैं तो मुँह खोल के देख लीजिए, उसी तरह बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, टीनेजर के स्कूल में क्या चल रहा है, इनसे बात करके इनकी सुन लीजिए। तो ये हमारा लिसनिंग सेशन है, इसमें हम उनकी सुनते हैं ज़्यादातर, और हमारा काम फैसिलिटेटर का है और नोट टेकर का। फिर हम देखते हैं जो सूचनाएँ इनसे छन के आई है तो इसका हम कैसे इस्तेमाल करें अपने काम में, जिससे कि इनको ड्रग्स से अल्कोहल से, अब इलोपमेंट होता है घर से बच्चे भाग जाते हैं, मिसिंग चाइल्ड केसेस आ रहे हैं, और जो आपस की लड़ाई झगड़े हैं, बुलिंग है, इनको जो ऑनलाइन पर इनको खतरे हैं फेसबुक के जरिए, इन सारी चीज़ों के जरिए कि सारे फेक जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, फेक आइडेंटिटी करके बच्चों को लोग क्रिमिनल लगे रहते हैं, उनसे कैसे बचाएं। तो जो अभी इंटरेक्शन हुआ है और जो हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिला है तो निश्चित तौर पर ये हमें हेल्प करेगा उन समस्याओं से निपटने में एक अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। अपने वक्त की बात अपने देखते हैं, इनकी सोच ज़्यादा बृहद है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अब बात देखेंगे, हमारे टाइम में तो किसी एक आदमी को बोलने के लिए मतलब उत्साहित करना ही बड़ा मुश्किल काम होता था, इनको तो रोकना पड़ रहा था। तो कॉन्फिडेंट हैं, ये क्या बोल रहे हैं इनको पता है, ये अपनी समस्याओं को कह सकते हैं, तो बहुत फ़र्क है। वी हैव कम ए लॉन्ग वे।